यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा खोखा पार्टी है आजमगढ़। बुधवार को आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निकाय चुनाव की तैयारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आजमगढ़ दौरे पर आए हुए यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने कहा कि नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत चुनावों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति कार्यकर्ताओं को बताई गई। 8 प्रांतों में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद 11 अक्टूबर से संपूर्ण आज़ादी का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर महंगाई के खिलाफ आप पदयात्रा करेगी, जो सरयू अयोध्या से लेकर संगम प्रयागराज तक महंगाई भगाओं रोजगार बचाओं पदयात्रा निकाली जाएगी, जो 11 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर को समाप्त होगी। आजमगढ़ का सम्मेलन नगरीय प्रांत के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इसमें पूरे पूर्वांचल के जो जिले हैं उसमें प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के साथ एक मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन का निर्माण वह वार्ड लेवल पर, बूथ लेवल पर करेंगे। हमारी चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके जल्द ही हम चुनावी रेस में शामिल हो जाएंगे। इस वार्ता में जिलाध्यक्ष रविन्द्र यादव, सुनील यादव, डॉक्टर सरफुद्दीन, डॉक्टर अनुराग, कृपाशंकर पाठक, राजन सिंह, राजेश सिंह, रामरूप यादव, अशोक यादव, उमेश यादव, गोविंद दुबे, डॉक्टर विजय यादव आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेयर तक का चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका, आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफर कर दिया गया। यह हालत है। बृजेश पाठक जी हर जिले में छापा मार रहे हैं, स्वास्थ्य की बदहाली पे चिंता भी जता रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उनका उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहां का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफर कर दिया, अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। 8 सरकार हिंदुस्तान की इन्होंने विधायकें खरीद के बनाई। जी आप लोगों द्वारा और अभी न्यूज चैनलों में चला है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो विकसित देश है उनको पीछे जोड़ चुकी है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, तो इसका क्या? भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत CMII की रिपोर्ट के मुताबिक 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास 13 लाख करोड़ रुपए है और दूसरे हिंदुस्तान की हालत भुखमरी में 101 नंबर पर पहुंचने की है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है वो जमीन पर जाकर किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए। मनरेगा का बजट कम कर देते हैं ये लोग, राशन चुनाव के पहले फ्री करते हैं, बाद में राशन का पैसा लेने लगते हैं। तो ये स्थिति है जमीन की, आप इसको मानिए। गेहूं की खरीद घटा दी इन्होंने, क्यों घटा दी भाई आपने? गेहूं की खरीद क्यों कम हुई हिंदुस्तान में, आप बताएंगे? आपकी कोई जवाबदेही है इस देश के लोगों के प्रति? आपने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, काला धन आएगा, काला धन तो दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी जी ने, 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरियां मांगी है, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, कहां है आपका वादा? आपने कहा था 15 अगस्त तक हर परिवार के घर पे छत होगी, बताइए आप कितने लोगों के घर में छत है, कितने लोगों को आपने पक्का मकान दे दिया? बुलेट ट्रेन किस रूट पे चल रही है जरा वही पता बता दीजिए हमको, हम भी जाना चाहते हैं देखने के लिए। तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी,
और मैं तो उनका नाम अब भारतीय खोखा पार्टी रख चुका हूं। वो खोखा खोखा कर रहे हैं, 50 खोखे एकदम मोके, जहां बीजेपी वालों को लोग देखते हैं कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है, ये हालत हो गई इनकी। बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति और धर्म ने जकड़ रखा है। इस बात को हम सारे लोगों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कोई बुरा नहीं कहता, आम आदमी पार्टी की नीतियों को कोई बुरा नहीं करता। वोट नहीं देते क्योंकि अभी जाति और धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। जिस दिन निकलेंगे, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग खड़े होंगे। हाँ, अभी की स्थिति में आपकी बात से मैं सहमत हूं, हम लोग विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, नगर पालिका के चुनाव में फिर लोगों से कह रहे हैं कि भाई एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया, ये तो सफाई का काम है झाड़ू वालों को दे दीजिए। तो इसलिए हम तो इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। और इस देश के नौजवानों से भी मैं कहना चाहूँगा, और ख़ासतौर से यूपी के भाइयों से, कि जब आप लोग इस तरह के बयान देते हो कि 200 रुपए पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो। तो कि अब गुजरात के अंदर मोदी जी की यह हालत हो गई है कि केजरीवाल के सामने मोदी मोदी बताना पड़ रहा है। अरे भैया, मोदी जी इस बात को पसंद नहीं करते, वो अपनी रैली में अपना नारा लगवाते हैं, आप केजरीवाल के सामने जाके क्यों नारा लगा रहे हैं, उनका क्यों नारा लगा रहे हैं, वो भी गुजरात के अंदर। गुजरात में इतनी बुरी हालत हो गई मोदी जी को कि लोगों को जाके बताना पड़ रहा है मोदी मोदी मोदी, अजीब हाल है। तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों में नारा लगाओ भाजपा के लोगों, ये अच्छा तरीका नहीं है। मोदी जी भी नाराज होंगे कि तुम भाई केजरीवाल के सामने क्यों नारा लगाने जा रहे हो। अप्रत्याशित परिणाम गुजरात में आने की संभावना है, जो बीजेपी की बौखलाहट का भी एक बड़ा कारण है। तो गुजरात के चुनाव के परिणाम के बाद ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अगला चुनाव इस देश के अंदर मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। क्योंकि कई सर्वेज में आया कि 63% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी को मुकाबला दे सकते। देखिए, जो गुंडे माफिया अगर जेल में होते तो अभी लखीमपुर का कांड हुआ फिर से, एक बेटी का, अब अगर आदित्यनाथ जी को नहीं दिख रहा है तो मैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। रोज हत्याएं हो रही हैं, आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए, अखबार के पन्ने हत्या बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। और इसके बावजूद अगर आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे हैं कि गुंडे माफिया सब जेल में हैं, तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा को अपराध नहीं दिख रहा है।